एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ब्लॉग देने में बहुत ही लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो आज मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी गंगा पूजा का ब्लॉग। तो वही टाइम में थी सिलचर में मेरे मामा की घर पर, और मामा की जो बहन है उसकी मुन्ने को आज पानी में फर्स्ट टाइम निकालेंगे, तो इसके लिए पूजा होगा गंगा पूजा। तो हम सब लोग आए हैं और यहाँ पर दीदी नहा लिया है, उसके बाद में भगवान का पूजा करना हो गया है शुरू। और अभी छोटे मुन्ने को पानी में नहलाएंगे, पूजा करेंगे। और मुन्ना बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो नहीं रोती है और बहुत ही प्यार से अपने पापा की गोद में बैठ के, पापा की गोद में से ही वो नहा रही थी। और मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं बेबी का पूजा। उसके बाद में हम सबको खाना था प्रसाद, यहाँ पर बड़ा मामा और बड़ा मामी भी थी और मुन्ने के साथ मैं यहाँ पर बैठी थी। और प्रसाद खाने के बाद हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए, मेरी शादी की जो सामान लेना था ज्वेलरी वगैरह, तो वही लेने के लिए मैं आ गई थी दीदी के साथ ज्वेलरी लेने के लिए। तो आप लोग देखिए मैं क्या क्या ज्वेलरी ले रही हूँ, तो कैसे लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फाइनली मेरा ज्वेलरी सारा कुछ लेना हो गया था। अभी दीदी आई है, उसके घर के लिए जो भगवान का बर्तन है वही लेना था उसको। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्यूट है गोपाल जी और बहुत सुंदर सुंदर तरीके के भगवान थे, भगवान की मूर्ति। यहाँ पर दीदी ने भगवान का बर्तन वो लिया था, वो भी बहुत ही क्यूट सा था, छोटा सा था। और गोपाल जी देखने पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेने का मन भी था लेकिन अभी नहीं लूँगी, बाद में लूँगी। उसके बाद में हम लोग आ गए थे सिलचर बी टू पर, और यहाँ पर काफ़ी कम रेट में मिल रहा था बैग, तो हम लोग देख रहे थे। तो आप लोग भी देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सुंदर सा बैग थे और बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा था, क्योंकि अभी चल रहा था रिडक्शन। तो काफ़ी सुंदर सुंदर बैग है, अगर आप लोग को लेना है तो बी टू में जरूर आना। तो आज का ब्लॉग इतना ही, बाय बाय।